ओम जी प्रणाम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर पुणे में ये हम अभी यहाँ पे एंट्रेंस में हैं। ये अच्छी खासी लॉबी की लॉबी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेटिंग एरिया है। ये सामने रिसेप्शन, आत्मबोध का बहुत ही अच्छे से पेंटिंग किया हुआ नाम, मेडिकल स्टोर। और हम अभी आगे जा रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर कंसल्टेशन एरिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो लगाई आयुर्वेदा की। तो यहाँ पे आयुर्वेदा का कंसल्टेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आयुर्वेदा के दो डॉक्टर्स आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेदा के डॉक्टर डॉक्टर सैनी सर हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेचुरोपैथी कंसल्टेशन जहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन का टाइम है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ये हमारे डॉक्टर अनामिका मैम और यहाँ पे है डॉक्टर चंद्रशेखर सर। ये अभी यहाँ पे पेशेंट के साथ उनका कंसल्टेशन चालू है। ये पीछे बैक साइड में अच्छे नेचर के साथ आम के पेड़ भी है। ये हम यहाँ पे अभी अंदर, तो हम यहाँ पे अभी जेंट थेरेपी सेक्शन में आए हैं। तो यहाँ पे वाइब्रो मसाज, आम बात, ये सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होती है। और यहाँ पे जकुजी, फुल इमर्शन, ये भी मसाज होती है। तो इस भ्राता के पैर में यानी नी में दिक्कत थी, पेन था। तो ये जानू बस्ती ऑयल से और ट्रीटमेंट से पेन रिलीफ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका पहला शिरोधारा भी हुआ था, यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, हाइपरटेंशन के लिए और मस्तिष्क शांत रखने के लिए ये ट्रीटमेंट दी जाती है। ये है स्टीम बॉडी, स्टीम मसाज, फुल बॉडी मसाज। हम आगे देख सकते हैं कि सोना बाथ है, आगे सोना बाथ के साथ वाइब्रो मसाज है। और यहाँ पे आयुर्वेदिक की अलग अलग प्रकार से मसाज होती है। ये पंचकर्मा सेक्शन है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे नस्से, पोटली मसाज, उद्वर्धन मसाज, अभ्यंग मसाज। ये शिंगी थेरेपी है, जैसे नी रिप्लेसमेंट या नी पेन के लिए ये ट्रीटमेंट की जाती है। अब हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आए हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे टेंस थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, कप थेरेपी यानी कपिंग। ये अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्यूपंक्चर प्लस टेंस थेरेपी दी है। तो ये ऐसे टेंस थेरेपी होती है कि ये फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो ये होता है कपिंग ट्रीटमेंट्स, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग की जाती है। तो अब हम यहाँ पे योगा हॉल में आए हैं। तो यहाँ पे आचार्य जी रमेश जी स्वास्थ्य साधक के एक्यूप्रेशर यहाँ पे स्वास्थ्य साधक को हर दिन किया करते हैं। तो जैसे अपने प्रॉब्लम से या रोग है उस हिसाब से हम यहाँ पे योग गुरु स्वामी जी के शिष्य रमेश जी यहाँ पे एक्यूप्रेशर किया करते हैं। तो अब हम यहाँ पे वापस फिजियोथेरेपी में आए हैं कि अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स, जैसे हमारे पूरे शरीर को वाइब्रेट कैसे किया जाता है, ये सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होती है। तो हम यहाँ पे आगे आए हैं ओजन थेरेपी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ओजन थेरेपी डिपार्टमेंट में मोहित सर होते हैं, डॉक्टर मोहित सर। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से ओजन थेरेपी दी जाती है कि हर रोगों के लिए ये ओजन थेरेपी का बहुत बेनिफिट होता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं और आहार चिकित्सा का टाइमिंग, यानी किस प्रकार आपको भोजन लेना है, कौन से टाइम में आपको
आपको काढ़ा मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा, कौन से टाइम में आपको जूसेस मिलेंगे, ये सारा यहाँ पे टाइम दिया है। अब हम यहाँ पे आहार चिकित्सा सेक्शन में आए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सात्विक भोजन यहाँ पे बहुत ही प्यार से और आनंद से लोगों को दिया जाता है कि अपने अपने प्रकार की बीमारी से यहाँ पे भोजन दिया जाता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और 2 बजे जूस और शाम को 5 बजे स्नैक्स और रात्रि का भोजन 7:30 बजे होता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।